माराईमकूम बिवे आज के लेक्चर में हम फार्मूला निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये ये कंसिडर किया ये नज़र आ रही है हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एक चार्ज क्यू नॉट है जो कि मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड हमने जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है इसके इसके लिए अच्छा जी तो सबसे पहले हमने ऐसे करना है कि हमने ये सपोज़ किया कि चार्ज क्यों नॉट जाए उसने कवर किया डिस्टेंस डी एस और इस डिस्टेंस को तो कवर करते टाइम कितना इसके ऊपर वर्क हुआ तो वो हम यहाँ से क्योंकि इसने डिस्टेंस डी एस कवर किया लिहाजा इसका वर्क डी डब्ल्यू होगा और फ़ोर्स में पता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नॉट ठीक इक्वल होती है अब क्या करना है अगर हमने ये तो हमने डी एस के लिए कैलकुलेट किया वर्क ना लेकिन अगर इसने कितना वर्क किया फ्रॉम ए टू बी उसके लिए हम क्या कर देंगे बोल साइड को इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से ये कैंसिल कर देगा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को जैसे डब्ल्यू रह जाएगा क्यू नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा ई डी एस रह जाएगा तो क्यू नॉट को यहाँ पे डिवाइड कर दें बोल साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अब ये जो है दिस इज द फार्मूला ऑफ़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी नो दिस थिंग एंड माइनस को और ये ऐसे ही रहना दे ठीक है इसको डिफरेंस है तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस एज ये जो है दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगर हम एक पॉइंट ए को जो है वो इन्फिनिटी पे ले लें ले, या उसको हम रेफरेंस पॉइंट ले लें मतलब हम उसे इन्फिनिटी पे ले लें तो इन्फिनिटी मतलब ये होता है कि ऐसे पॉइंट पे लेके चले जाओ जहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शियल कोई फील नहीं कर रहा वो तो वी ए जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे वी की वैल्यू जीरो पुट करें वी बी को एज इट इज तो यहाँ से हमारे पास एब्सलूट uh, पोटेंशियल आ गया पोटेंशियल एट अ पॉइंट दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज

सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी ओके दिस इज़ अ फार्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट हम इसको पी से शो करते हैं डायपोल मोमेंट इज अ वैक्टर क्वान्टिटी क्योंकि क्यों तो स्केलर है तो डी एक वैक्टर है ना तो आप स्केलर को वैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैक्टर ही आएगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी डायपोल की हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी ओके okay? क्योंकि वैक्टर तो डायरेक्शन तो होगी ही ना तो इट इज़ आल रिजेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड इसका यूनिट क्या होता है चार्ज का यूनिट होता है गुलम डी का यूनिट होता है मीटर अब हमने क्या निकालना है हमने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यू डायपोल तो उसके लिए हमने डायपोल ड्रा किया डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डी प्लस चार्ज इज सेपरेटेड इज़ एट डिस्टेंस ऑफ आर वन फ्राम पी एंड नेगेटिव चार्ज इज एट डिस्टेंस आर टू फ्राम पी एंड देंट्रल पॉइंट इज़ एट डिस्टेंस आर फ्राम पी एंड इफ़ विद ड्रॉ अपर पेंडिकुलर फ्राम पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस लाइन तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स कि आप जैसे कि फिगर से नजर आ रहा है कि ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस है ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है तो इन दोनों डिस्टेंस में कितना फ़र्क है तो इत, इतना डिस्टेंस का जो है वह फ़र्क आ रहा है आर टू माइनस आर वन डिस्टेंस का फ़र्क आ रहा है इसमें ओके okay? तो अब एट पॉइंट पी पोटेंशियल 2 plus charges kq1 by r1 potential due to negative charges k minus kq by r2 and total potential at point p is sum of these put the values of v1 and v2 okay they take the kq um, mm, mm, since q1 and q2 are e of equal magnitude so we can say that q1 is equal to q2 is equal to q take out kq common from this one equation and we will left with this term and uh, take the lcm and r2 minus r1 is equal to d cos theta since there since it is d and uh, this uh, uh, this is actually our triangle uh, okay in which uh, this is

इस वजह से आर वन आर टू को इक्वल टू आर किया और चूँकि दो प्रोडक्ट्स हैं तो आपने उसका स्केयर कर लिया तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल यू हैव टू मेमोराइज दिस बिकॉज दिसज आर द फार्मूलाज विच यू विल यूज़ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू डायपोल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो